साल 1999 में रिलीज हुई मूवी जानवर तो आपको याद होगी। इस मूवी ने उस वक्त के बहुत बड़े फ्लॉप एक्टर अक्षय कुमार के कैरियर को आसमान पर पहुंचा दिया था। इससे पहले उनकी करीब 17-18 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और उनका सितारा गर्दिश में था। तब उनकी लाइफ में आए प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुनील दर्शन, जिन्होंने उनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। दोनों ने करीब 7-8 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव है, अंदाज है, जानवर है, दोस्ती है, बरसात बनते बनते रहेगी, बट काफी फिल्मों में एक साथ काम किया। हालांकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पहले जानवर में सनी देओल को कास्ट किया गया था, जो कि सुनील के साथ पहले अजय इंतकाम में काम कर चुके थे, बट यहां पर कोई पंगा हो गया साइनिंग अमाउंट को लेकर और सनी देओल ने पैसा वापस नहीं किया। इसी वजह से उन्होंने इस मूवी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और अक्षय को कास्ट किया गया। लेकिन आज हम आपको एक और तीसरी इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। इस मूवी में पहले कास्ट किया गया था अजय देवगन को, जो कि इस मूवी के लिए बहुत परफेक्ट चॉइस हो सकते थे बिकॉज ऑफ इंटेंस रोल। और सुनील दर्शन ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि अजय ने इस मूवी को बहुत पसंद किया था और लगभग इस मूवी को वो साइन कर चुके थे। और मजे की बात ये कि शिल्पा शेट्टी का जो रोल है उसे काजोल ने साइन किया था, यानी काजोल शिल्पा रोमांस नहीं करते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल में थे। हालांकि उस बीच में एक ट्विस्ट आ गया और जो काजोल की मदर तनुजा हैं उन्होंने सुनील को फोन करके बोला कि अब काजोल को इस मूवी से फ्री कर दिया जाए बिकॉज वो मैरिज करने वाली हैं अजय के साथ बहुत ही प्राइवेट अफेयर में और वो नहीं चाहती उनकी बेटी आगे मूवी करियर परस्यू करे। यहाँ पर सुनील दर्शन को झटका लगा क्योंकि सारी कास्ट अलॉट हो चुकी थी और काजोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, बट उनकी माँ ने कहा था और माँ उनकी बहुत सीनियर एक्ट्रेस थी, ऐसे में सुनील कुछ कह नहीं पाए। लेकिन मन ही मन को गुस्सा आया और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो अजय को भी इस मूवी का पार्ट नहीं बनाएंगे और इस तरह से अजय के साथ साथ काजोल भी इस मूवी से आउट हो गए और अब बारी थी किसी नए एक्टर को ढूंढने की। यहाँ पर अक्षय कुमार ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और सुनील को खुद जाकर अप्रोच किया कि वो चाहते हैं उनके साथ कोई मूवी करें। हालांकि सुनील दर्शन किसी बड़े एक्टर को लेना चाहते थे बट जो एक्सपीरियंस उनका सनी देओल और अजय देवगन के साथ हुआ था उसको लेकर वो काफ़ी टेंशन में थे और उनको एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो खुद को 100% सबमिट करे, और अक्षय ने वो चीज़ दिखाई। अक्षय ने अपनी सारी डेट एक साथ उनको दे दी और इस तरह से जानवर बनी। अगर आपने जानवर देखे तो आप समझ जाओगे ये मूवी रेडीमेड मूवी थी सनी देओल के लिए। जिस तरह जीत में उनका करेक्टर था वैसे कुछ करेक्टर यहाँ भी था, बट किस्मत को डेस्टिनी को कुछ और पसंद था। मूवी सनी देओल के हाथ से निकली अजय के पास आई और अजय के हाथ से निकल के अक्षय के पास आई और बाकी कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। अगर जानवर नहीं आती तो हेरा फेरी नहीं आती, धड़कन नहीं आती। उसके बाद अक्षय कुमार भी हमेशा फ्लॉप के दायरे में रहते, बट किस्मत को जो चाहिए होता है वो मिलकर रहता है। वैसे भी अजय अक्षय की कुंडली एक दूसरे से टकराती रहती है, दोनों एक दूसरे को मूवी में रिप्लेस करते रहते हैं। कहा जाता है फूल और कांटे में पहले अजय देवगन की जगह अक्षय को कास्ट किया गया था बट अजय ने उनको रिप्लेस किया। गंगा जल में अजय की जगह अक्षय को कास्ट किया गया था, वहाँ अजय ने उनको रिप्लेस किया। इसी तरह से कुछ मूवीज ऐसी हैं जहाँ पर अक्षय कुमार ने अजय को रिप्लेस किया, जिसमें जानवर का नाम सबसे पहले आता है। जरा फर्ज कीजिए अगर जानवर में अजय देवगन होते तो मूवी का इंटेंसिटी लेवल और हाई हो जाता और मूवी में भी कुछ डिफरेंट लगती। हालांकि अक्षय ने भी कमाल का काम किया बट अजय होते तो जरा इमेजिन करके देखिए जानवर कैसी होती। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।